प्रिय मित्रों एवं श्रोतागण, मेरी हार्दिक शुभकामना। आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना। जैसा कि आपको मालूम है, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस सने प्यार के साथ आप लोग मेरे वीडियो को, मेरे प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आभारी हूँ। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूर्य, बुध, मंगल, गुरु, ये चार मित्र ग्रहों की युक्ति आपके प्रत्येक राशियों से कैसा खेलता है खेल। जिसके कुंडली में मेष राशि में सूर्य, बुध, मंगल, गुरु हो, ये बुद्धिजीवी होते हैं, मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, व्यक्ति को पहचानने की क्षमता रखते हैं और सफल होते हैं। जिसके कुंडली में वृषभ राशि में सूर्य, बुध, मंगल, गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग बहुत अच्छी सोच रखते हैं, बहुत अच्छी उन्नति करते हैं, अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं, परंतु जीवन में इनको आर्थिक उतार चढ़ाव बना रहता है। जिसके कुंडली में मिथुन राशि में सूर्य बुध मंगल गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग चैत्रवान होते हैं, दयालु होते हैं, उदार होते हैं, माता पिता के सेवक होते हैं और सामाजिक कार्य करते हैं। जिसके कुंडली में कर्क राशि में सूर्य, बुध, मंगल, गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग रंग से राजा बनते हैं, ऐसे लोग जीवन में पूर्ण सफल रहते हैं, ऐसे लोग उद्योगपति भी बनते हैं, व्यवसायिक भी बनते हैं, राजनेता भी बनते हैं, प्रथम श्रेणी के अधिकारी भी बनते हैं। जिसके कुंडली में सिंह राशि में सूर्य, बुध, मंगल, गुरु बैठा हो, ऐसे लोग अपेक्षा से अधिक शिक्षा पाते हैं, ऐसे लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं, ऐसे लोग कई विद्या के ज्ञाता होते हैं, ऐसे लोग व्यावसायिक शिक्षा पाते हैं, ऐसे लोग साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं, कलाकार होते हैं। जिसके कुंडली में कन्या राशि में सूर्य, बुध, मंगल, गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग विवादों से दूर रहते हैं, ऐसे लोग कभी जेल नहीं जाते हैं, ऐसे लोग शत्रु को भी अपना मित्र बना लेते हैं, ऐसे लोग जीवन में कभी केस मुकदमा नहीं लड़ते। जिसके कुंडली में तुला राशि में सूर्य बुध मंगल गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग के शादी विवाह में रुकावट आता है, पारिवारिक जीवन सही नहीं रहता है, ऐसे लोग कर्जदार हो जाते हैं, इच्छा अनुसार उन्नति नहीं कर पाते हैं। जिसके कुंडली में वृश्चिक राशि में सूर्य, बुध, मंगल, गुरु की युक्ति हो, ये गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं, ऐसे लोग खिलाड़ी होते हैं, ऐसे लोग हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं। जिसके कुंडली में धनु राशि में सूर्य, बुध, मंगल, गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग पूर्ण सफलता पाते हैं, रंग से राजा होते हैं, ऐसे लोग उद्योगपति भी होते हैं, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी भी बनते हैं, छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। जिसके कुंडली में मकर राशि में सूर्य, बुध, मंगल, गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग संसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, परंतु विवादों में रहते हैं। जिसके कुंडली में कुंभ राशि में सूर्य, बुध, मंगल, गुरु की युक्ति हो, ये गुप्त धन पाते हैं, अक्षमातिक उन्नति करते हैं, ऐसे लोग धार्मिक कार्य करते हैं, सोशल विचार के होते हैं और महान भाग्यशाली होते हैं। जिसके कुंडली में मीन राशि में सूर्य, बुध, मंगल, गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग गरीबों की सहायता करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, ऐसे लोग जीवन में सोचे हुए अधिकांश कार्य को पूरा कर लेते हैं, कभी असफल नहीं होते हैं, परंतु जीवन में हमेशा विवादों में बने रहते हैं। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसे सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है,
जिसका सन्नि भी दिया हुआ है, संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अपने कुंडली का मुझसे विवेचन कराना चाहता है, विश्लेषण कराना चाहता है, तो मेरे फोन पर संपर्क करिए। मेरे नियम का पालन करेंगे तो मैं विवेचन कर दूंगा। मेरा फोन नंबर 9425308111 है। एक बार फोन नंबर मैं और बोल रहा हूँ, 9425308111 है। इतना कहते हुए मैं अपने प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ, आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार, सुबह से।